सिटी की रसोई में हमारी आज की रेसिपी है गाजर की बर्फी। मैं हूँ सीमा सोनी, मेरे साथ है NFCI से अंजना जोशी और शेफ गौरव। हेलो जी। तो शेफ, शुरुआत करते हैं गाजर की बर्फी की। बिल्कुल, गाजर की बर्फी बनाने जा रहे हैं। मौसम भी है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो गाजर की बर्फी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले गाजर। हमने 1 किलो गाजर और उसमें हमने घी डालना है, देसी घी। और ये बिना गैस जलाए भी बन सकता है हलवा, आप इंडक्शन पे भी बना सकते हैं। यस, और जलाए नहीं, गैस जलेगा। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, जो कि देसी घी, जो जैसे हमने गाजरें डाली हैं, सीजनल है, तो इसमें जो जूस होगा नेचुरल, जो इसमें गाजर का पानी है वो पहले सूखेगा, उससे पकेंगी गाजरें, फिर उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे, फिर उससे पक जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। राइट। तो चलिए, अब थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगेगा, तो हमने शुरू कर दिया है इसे पकाना। घी डालने से यह है कि गाजरें हैं जो एक शाइन भी करेंगी, तो जो अपीयरेंस, जो लुक वाइज अच्छी लगेंगी हमें, जो कलर अच्छा उठ कर आएगा गाजर के हलवे का। तो सीमा जी, ये देखिए गाजरों का जो पानी है वो सूख चुका है, देखिए उससे क्या होगा, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें दूध। हमने सीधा हिसाब है, जैसे 1 किलो गाजर होगी तो 1 किलो हम दूध डाल देंगे इसमें, बराबर का। और अब हमने गाजर के अंदर ही पकाना है, मतलब तो हाँ, गाजर को अच्छे से पकाना है। और ये देखिए दूध में, आप देखिए कलर आ चुका है गाजर का, नेचुरल कलर है, हमने कोई कलर नहीं यूज किया, तो ये नेचुरल कलर अच्छे से आएगा जब जैसे हम घी में से पकाएंगे। तो अब हम इसे पकाकर दूध को भी सुखा देंगे, जिससे कि गाजरें और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे अच्छे से। तो लीजिए सीमा जी, ये अब पक चुका है। मिल्क भी इसमें हमने ख़त्म कर दिया कुक करने में, शुगर भी ख़त्म हो चुकी है, शुगर ने भी पानी छोड़ दिया था, वो भी ख़त्म हो चुकी। तो अब हम डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ये मेन पार्ट है हमारा जो हमने बर्फी बनानी है। 200 ग्राम हमने मिल्क पाउडर ऐड करना है, जितनी चीनी डाली थी उतना होगा। हाँ। ना, तो उससे क्या होगा कि जो सॉफ्ट हो जाएगी, एक तो ये होगा कि जो शुगर का थोड़ा सा सिरप कैरमलाइज होने के बाद रहती है वो ख़त्म हो जाएगा, बर्फी जल्दी सेट हो जाएगी। तो ये पाउडर डाल दिया हमने, बस अब रेडी होने वाला है। तो लीजिए, ये धीरे धीरे कुक हो चुका है, अब बस 1 मिनट बाकी है, उसके बाद हमने इसको एक ट्रे में अरेंज कर देना अच्छे से। तो इसकी टुकड़ियां काट के हम आपको बाद में दिखाएंगे और हम उसको खाएंगे। तो खाएंगे। तो लीजिए ये रेडी है अब। तो सीमा जी, ये देखिए पूरी तरह ये रेडी हो चुका है। तो अब हम एक ट्रे लेंगे, गैस हमने बंद कर दिया, अब एक ट्रे लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे कि ये इजीली उतर जाए, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। हम इसे बर्फी की शक्ल अब आएगी सामने। तो अब लग गया है ट्रे में घी, अच्छे से लीजिए, अब इसमें लग गए, जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। तो अब हम इसमें जो बर्फी बनी है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी,
तो अब हम इस पे जो खोया लगाएंगे, तो अब हम इस पे खोया लगाएंगे। जैसे जैसे ये ठंडी, अभी तो आपको देखने में लगेगा कि ये गाजर का हलवा है, मगर जैसे जैसे ये ठंडी होती रहेगी, थोड़ा सा शुगर जो कैरमलाइज हुई है उसे बाइंड कर देगी, जो मिल्क पाउडर है वो भी। तो ये है कि इक्वल जो हम जो खोया है वो चारों तरफ जाए। तो हमने वैसे नहीं लगाया, हमने ऐसे लगाया। ऐसे लगाना है क्योंकि एक तरफ ही गिरा, हमने वैसे नहीं लगाया, ऐसे वैसे दोनों तरीके से लग, वैसे लगा दिया तो ऐसे और वैसे दोनों तरीके से लग सकता है। और इसको सेट होने में 10-5 मिनट मैं बोलने वाली थी कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, क्योंकि अभी तो गर्म है और ठंडे होने के बाद थोड़ा सा सेट हो जाएगी, फिर इसको हम काट सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हाफ सेट हो जाए तो आपने इसमें हल्के हल्के कट लगा देने नाइफ के साथ, कि क्योंकि इसमें हमने जैसे ड्राई फ्रूट डाला है, जब जैसे हम कट करेंगे वो ड्राई फ्रूट तरीके से काटेंगे। तो लीजिए आपकी जो गाजर की बर्फी है वो रेडी है। तो हम अच्छे तरीके से ये बन गई है गाजर की बर्फी, और तैयार होने के बाद ये दिखेगी कुछ ऐसी। तो इस तरह से हमने आज बनाई है गाजर की बर्फी। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आप हमारे पेज सिटी की रसोई में देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई रेसिपी सीखना या अपनी कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।